माइक ऊपर थोड़ा। जालियांवाला बाग से भी बड़ा भयानक घटना, सरकार क्यों मौन? सत्ता बदली है, प्रशासन की मानसिकता क्यों नहीं बदली? साठ पचास सालों से लगभग हजार की संख्या और 150 से 200 परिवार जो ऋषिदेव परिवार, मुसहर परिवार या अन्य और भी 2-4-5-10 अन्य परिवार के लोग यह समझ के यहां रह रहे थे कि ये भगवान की जमीन है, किसी ने दान दे दी और इस पर ये लोग रह रहे थे। 50-60 सालों के भीतर दरभंगा की जो स्थिति है, जो मैं बार बार कहता हूं कि दरभंगा राज महाराज या ऐसे कोई भी जमींदार जो लगभग जमीन उनके कई पुश्त के बाद यहां से गलत तरीके से बेचकर जमीन माफिया अन्य बड़े लोगों के हाथ विवाद को खड़ा कर दिया है। शासन प्रशासन एडीएम डीसीएलआर और सीओ ये सब के सब यहां पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी के खिलाफ मानसिकता है। वह जमीन माफिया और जमींदारों के पक्ष में काम कर रहा है। न्याय मैंने नहीं देखा। आप एक्स पार्टी की खबर नहीं हुई, हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर हुआ उसको देखा नहीं गया। आपको 3 नोटिस देनी थी, वो नोटिस नहीं दी गई। 17 तारीख को सीओ बुला के बोलता है और 18 तारीख को 5 बजे शाम से 9 बजे 10 बजे रात तक पूरे परिवार को बुलडोजर चढ़ा के बेघर कर देता है। ना मेरा सवाल जमीन वालों से है, ना मेरा सामान जो जमीन का अधिकार जो बसे हुए हैं उससे है। मेरा सवाल क्या यही सत्ता है? यहाँ के एमएलए जो जदयू के हैं, जो मंत्री वोट लेने वक्त सभी लोग इस्तेमाल करते हैं आप मिडिल क्लास को, गरीब को, और उसके बाद जब उसके जिंदगी की, उसके राइट्स की, उसके जीने की, उसके बच्चे की परवरिश की, उसके सर छुपाने की बारी आती है तो आप नेता पदाधिकारी मिलकर पैसा लेकर इन गरीबों को बेघर करते हैं। और वही हुआ फिर बिरौल के एक गांव जिस पंचायत का नाम पोखराम दक्षिण गांव कटैया। मैं आग्रह करूंगा सबसे कि कटैया को सब देखें, न्याय की जरूरत है। यदि 15-10 साल पहले ये बसे होते और जमींदार पहले लिखाया होता बाय दी वे गलत लोगों से भी, तब भी मैं गलती समझता। 50 सालों से बसा हुआ और किसी दूसरे दियाद के बच्चों से, तीसरे बच्चों से लिखाना।